राजस्थान ब्राह्मण महासभा जैसलमेर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान ने जो मोटिवेशनल स्पीच दी वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा मानना है कि कम से कम एक बार आपको उसे जरूर सुनना चाहिए। लीजिए, सुनते हैं उनकी स्पीच। साहब, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन गल्ला साहब, जिला न्यायाधीश और रजिस्ट्रार हमारे श्री ओमी पुरोहित जी, मदन मोहन जी साहब, दुबे साहब, चौधरी साहब, क्या अभी शब्द उपयोग किया था वो चादर साहब, और सभी, मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी सबके नाम सुने, लेकिन मुझे सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया। जहाँ तक मेरे कर्म क्षेत्र की बात यहाँ कही गई, मैं तो बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ एक छोटे से परिवार में। मैं मदन मोहन जी साहब के पास बैठा बैठा जैसे ही ब्यावर का नाम आया तो मेरे जहन में मेरे पिताजी की बातें गूंजने लगी। उन्होंने कहा ये मेरे मदन मोहन जी मेरे मित्र हैं। मैं रामाकिशन जी व्यास जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में थे, रूपराज जी पुरोहित साहब के, मैं उनका पुत्र हूँ, और आपके भाई कृष्ण वल्लभ जी व्यास जो बीकानेर में थे, वूल का बिजनेस करते, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। जब मैं एक युवा था, जब स्टेज प्रोग्राम करने का बड़ा शौक था, कभी नाटक करते, कभी म्यूजिक का प्रोग्राम करते थे, तो हम एक चंदा लेने की फहरिस्त होती थी, उसमें सबसे पहला नाम कृष्ण वल्लभ जी साहब का होता था, और मैं उनके पास जाया करता था, जो सर गेट के बाहर उनकी कोठड़ी थी वो, तो मैं उनके पास जाया करता था। और पापा जी रोज कहते थे कि ब्यावर में मैं जन्मा हूँ, मेरे पिताजी ब्यावर में थे, और वहीं स्कूली शिक्षा में आपके साथ में मेरे पिताजी थे, रामाकिशन जी व्यास। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, मेरी मदर फतेह कुमारी व्यास लोक संगीत जो गाती थी, हाँ आप घर पे भी पधारे। तो मैं जैसे ही आपका नाम सुना और ब्यावर का नाम सुना तो मुझे मेरे जहन में वो एक ऐसी पिक्चर जो मेरे पिताजी मुझे बताया करते थे उस शख्सियत से मिलने का। आज मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले उनका निधन हो गया, लेकिन उनके मित्र से मिलकर मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं एक मेरे पिता के पास बैठूं। और आपने ये कहा कि मैं आपका प्रेरणा का स्रोत हूँ, नहीं, आप मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। क्यों, बस बचपन में आपकी बातें सुना करते थे हम, जब छोटे थे जब पढ़ते थे, मैं तो मेरे पिताजी की तीसरी संतान था, पहले इंजीनियर थे, दूसरे वेटरनरी कॉलेज में सर्विस करते थे, मैं था, मेरे 2 भाई, एक SSB स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो में एक डॉक्टर है, सारे, तो सारे के सारे मिल करके मजदूरी, बिल्कुल वो आप जानते हैं परिवार हमारा कैसा था। फादर 110 230 के ग्रेड में थे, लेकिन एक ही बात मन में रहती थी, पढ़ाई करो, रेलवे स्टेशन, और हम पढ़ाई करते थे। और इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हम जब छोटे थे तो पिताजी ने सीखो और कमाओ योजना की, उसमें घर पे हम सुबह कुर्सियाँ बनाते थे, दोपहर को स्कूल जाते थे, शाम को वापस आते, गाना गाते, मम्मी के साथ में गाते, वो राजस्थान के लोग गायिका थी श्रीमती फतेह कुमारी दास, उनके साथ में हम गाए। और जैसलमेर का मैं सैल्यूट भी इसलिए करता हूँ कि मेरे एक ही बहन है, उसका ससुराल भी यहीं पे है, वो यहीं के रहने वाले, ताराचंद जी बिरसा जो दीपा पाड़ा में रहते हैं, रहते थे, हरिकिशन जी बिरसा, हरिशंकर जी बिरसा और मोहनलाल जी बिरसा साहब, ये परिवार था। तो हमारी मेरी बहन की शादी भी यहाँ जैसलमेर में हुई और मेरी एक बिटिया की शादी भी पोखरण के अंदर हुई। तो इस एरिया से तो मैं हाथ जोड़ उनके सामने खड़ा रहता हूँ क्योंकि बेटी का बाप और बहन का भाई हूँ, तो मुझसे तो यहाँ आके सर झुका के ही आपके सबके सामने मुझे आने का मौका मिला। मुझे पता नहीं था कि मदन मोहन जी ने इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम मेरे लिए रखा है। मैं गदगद हूँ, मैं मेरे दिल में जो बात जो आ रही है, जो भाव आ रहे हैं, मैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आज इस कोविड की मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा कि ये जो एक विभीषिका हमारे सामने आई है, इसको डटकर मुकाबला करना है। हमें ADM साहब भी यहाँ हैं, हमारे ये पुलिस अधिकारी भी यहाँ विराजमान है, ये अर्चना व्यास भी बैठी हुई है, सब बैठे हैं। सीख शरीरा उपजे दिया लगे दाम, सीख को सही से उपजाने पड़ेगी। हमें हर व्यक्ति को जो पास में खड़ा है, वो घर के लोग हैं, उन सबको मास्क लगा करके बाद कि हमें जिंदा रहना है। आज एक ये प्रकोप हमारे सामने आया, प्रकृति का प्रकोप है, इससे बचने के लिए कोई मेडिसिन तो सी के वैक्सीन लगती है, वैक्सीन 2 बार लगती है, उसके बाद ठीक होते हैं। लेकिन हमारा एक कर्तव्य है, जैसे अभी मदन मोहन जी साहब ने बताया कि ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन में
फंडामेंटल राइट्स के बाद में ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज स्टेट की भी है, ड्यूटीज सिटीजन की भी है, और उन ड्यूटीज को सबसे पहले सब अपने अधिकारों की बात करते हैं, अपनी ड्यूटी की कोई बात नहीं करता। लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू जीरो, लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू जीरो, ये प्रिंसिपल होना चाहिए। और ये प्रिंसिपल अगर किसी समाज में है तो आगे बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ब्राह्मण समाज है वो नेतृत्व कर सकता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नेतृत्व करने वाला सर्वगुण मेरिटोरियस आदमी वो हमारा नेतृत्व कर सकता है। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी प्रतिभा में, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी में सारी प्रतिभा हो। अगर मुझे अभी कहे कि एक जूता बनाना है, मैं नहीं बता सकता, उसके लिए तो एक्सपर्ट वही है। रसोई बनानी है, मिठाई अभी वहाँ खाना खाएंगे तो कहेंगे अरे ये बढ़िया नहीं बनाई है, बढ़िया बनाया, उसकी ये सारी बातें, हर एक्सपर्टीज जो होती है वो हर एक व्यक्ति के पास में होती है। और उन एक्सपर्टीज की बात आपने भी सुनी, आपने कहा कि मैं व्यवसाय करने के लिए लुधियाना गया, ब्यावर में रहने वाला, अपनी जिंदगी जैसलमेर में जीने वाला, जोधपुर जाने वाला, वो ये सोचे कि मुझे वहां जाना है, कुछ करने की लगन होती है, वो ही आगे जा सकता है। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महर्षि के पास में मैं बैठा हूँ, मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ। और ये युवा आज राजनीति के अंदर, युवा को आना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, जीओडी गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों मिलकर के प्रजातंत्र बनता है, क्योंकि ये तीनों ही समाज को एक दिशा दे सकते हैं। इसलिए जनतंत्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूशन का काम करती है, व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, और न्यायपालिका जिसको मैंने कुछ दिन अपने उसमें बैठने का मौका मिला, उन सबको सुधारने का काम करती है। लेकिन सब लोग अपनी सीमाओं में रहकर काम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। मेरा बस आप लोगों से, ये ऐसी जगह नहीं है जहां मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी तकरीर करूं, लेकिन ये कहूंगा डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, ये शब्द जो है इंग्लिश के शब्द है, उद्देश्य है। आज यंग एज में यहां पे कोई जरूरी नहीं कि जीते हारे। मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को बहुत नजदीक से देखा, 77 में चुनाव हारे, यूनिवर्सिटी का चुनाव हारे, वार्ड का चुनाव हारे, लेकिन 1980 में जब जीते तो जीतते ही चले गए। मैं इसलिए नहीं कहा उन्होंने मुझे बनाया है, मैंने 40 साल तक उनके साथ में काम किया, इसलिए किया कि डिटर्मिनेशन से काम करने वाले, ईमानदारी से काम करने वाला अगर कोई इंसान दिशा दे सकता है। और आपको बता दूं, जब भी वो आदमी किसी पद पे गया तो सबसे पहले स्टेशन से उतरते ही ज्ञान जी व्यास की समाधि है उसके ऊपर गया, और मैं रोजाना ये कहता हूं कि आज वो उतरे हैं तो वो आज सबसे पहले ज्ञान जी व्यास की समाधि पे जाएंगे। स्टेशन से सीधे उतरते ही किसी पद पे मुख्यमंत्री भी बने, मैं उनके साथ था। और जय नरजी व्यास की वो इसलिए वो कहते हैं ईमानदारी का अगर किसी के पास राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति है तो जय नरजी व्यास है। तो मैं आप लोगों से ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यास ही थे, इसलिए एक व्यक्तित्व था जो दिशा देके चला गया। इतने सालों के बाद में कोई मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा समय से नहीं रहे वो, लेकिन उन्होंने जिस तरह से टैक्ट फोन किया, जिस तरह से जो रियासतकालीन लोग थे उनसे लड़ाई झगड़े की, वो इसलिए किया कि इस देश को स्वतंत्र करना, इस देश के लोगों को दिशा देना, इस देश को जीने का अधिकार देना है। ये सारी बातें करने वाले आज हो सकता है उनको याद कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में 100 साल के बाद में कल्ला साहब को भी याद करें, ये भी एक ईमानदार तरीके से काम कर रहे हैं। इसको ये कोई किसी की बकौती नहीं है कि मैं उसका बहुत बड़ा आदमी हूं। आपके यहाँ कल्ला साहब एमएलए साहब थे, मैं तो हतप्रभ हो गया। एक दिन वो ट्रेन में जा रहे थे सेकंड क्लास के डब्बे में, बिना रिजर्वेशन के मैं भी जा रहा था, वो सामने बैठे तो धोती पहने हुए कल्ला साहब आपके एमएलए साहब थे, तो मुझे लोगों ने पास में बैठे थे उन्होंने कहा कि ये जैसलमेर के एमएलए साहब। मैं कि ये जैसलमेर के एमएलए साहब, मैंने चरण छुए उनके, उनके भाई वो रमेश जी शायद, मैं उनको एक बार ही मिला। लेकिन मेरे व्यक्तित्व जो होता है ना, वो कोई पदों से, कपड़ों से, शरीर से, इससे नहीं बनता है, व्यक्तित्व से बनता है, जिसके पास मेरिट है उससे मिलता है। मेरे पिताजी रोज कहते थे मुझे, मैं पूछता मैं बीए कर ली, एलएलबी कर लिया, मैं कहीं करूं तो क्या हर एक मोची बढ़ जाए। उसका रीजन ये कि वो एक्सपर्ट इन हिज वर्क एक्सपर्टीज जो होती है वो डेवलप करनी चाहिए। और हमारे पास में, हम तो आज हिस्ट्री भी पढ़े तो एक गरीब ब्राह्मण था, हम तो गरीब है, गरीब, लेकिन हमारे गुरुजी कहते थे पॉकेट के अंदर पैसा तो चोर के ले जा सकता है आदमी, लेकिन यहाँ जो आपने कर लिया है उसको तो कभी भी भुला सकते हो आप। तो आपने कोई भी, उसका भी एक व्यक्ति का नहीं है कि एक जाति विशेष के पास में, इंसान जो है हर एक भगवान ने सबको दे रखा है, दो आंखें दी है। मेरी बात समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात आपकी इजाजत से मैं कहना चाहूंगा, भगवान विष्णु रोजाना इस दिशा के अंदर विराजमान होते हैं, ये तय है।
ये तय है कि रोजाना सूर्योदय से आधे घंटे पहले वो अपनी सिंहासन लगा के रोजाना बैठते हैं, सूर्योदय के आधे घंटे तक वो यहां बैठे रहते हैं। इस दौरान सिर्फ एक मनुष्य है जिसको उसने एक्सप्रेशन की पावर दी है, उस परम पिता ने एक्सप्रेशन की पावर हमको दी है। हम देख के कह सकते हैं कि ओमी पुरोहित बैठा है, हम कह सकते हैं मधुमोह जी साहब विराजी, कल्ला साहब बैठे, दूबे साहब बैठे, हम कह सकते हैं। लेकिन चड़ी चिड़ी कबूतर मोर गाय भैंस जितने भी जीव जंतु है वो नहीं बता सकते ये कौन बैठे, उनको एक्सप्रेशन की पावर नहीं है। इसके सुबह सुबह आप देखो सब पशु पक्षी सारे बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं? वो परमपिता परमेश्वर को कहते हैं, उनको दिखता है, वो कहता है हे प्रभु इस इंसान को तो आपने सब कुछ दिया है, हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हमारी व्यवस्था खाने की कौन करेगा। तो जो सुबह उठ करके इस दिशा में हाथ जोड़कर खड़ा होता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी हेल्दी एंड वारिस, ये कविता जो सुबह जल्दी उठो, ये सुबह उठ करके जो आराधना करता है तो भगवान उसे आशीर्वाद भी देता है और अर्थ भी देता है और ज्ञान भी देता है और इन सब जीव जंतुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारे साथ देता है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन इतना ही कि आप सब लोग जो भी है, भगवान कौन है, वो कौन भगवान है, भगवान 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 शब्द करते, भगवान का मतलब पांच तत्व है, व से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, ये पांचों तत्व हैं। एक किसी की निधन हो जाता है तो उसके शरीर देह को जब जलाते हैं तो सभी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन एक चीज है वो हमारी अस्थियां, वो हमारे संस्कार है, वो वहीं पे रहते हैं। और ये कहा जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है बच्चे को कि ये बोले जाओ कि गंगा में विसर्जन करेगा, गंगा में क्यों, गंगा में क्यों, आपके इस तालाब में क्यों नहीं? गंगा में इसलिए कि जो पानी आता है वो केमिकल युक्त पानी होता है, वो डाइल्यूट उसी में होती है। और आप देखो समंदर से एक किलोमीटर पहले अगर आप देखोगे तो मीठा पानी होगा, लेकिन समंदर के अंदर जाते ही खारा हो जाता है। क्यों? समंदर में तो नदियों से पानी आता है, खारा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, एवोपरेशन से सिर्फ संस्कारों से बादल बनते हैं। जो संस्कार होते हैं, जो एवोपरेशन होता है, तो उष्मा सूर्य की उष्मा से जो बादल बनते हैं वो हमारे संस्कारों से बनते हैं और वही संस्कार विश्व में जाके बसते हैं और वापस क्रॉप होती है, वापस इंसानों का जन्म होता है, जन्म होता है। और ये गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, ये आप जो मेरे पिताजी की शकल, मेरी शकल मेरे पिताजी से क्यों मिलती है? क्योंकि उनके हमारे गति जो कहते हैं ना, गति, गति का मतलब ये कि आपका जो सर्कल चल रहा है वो सर्कल वापस उस बादल के माध्यम से संस्कार बन के वापस आते हैं, क्रॉप होती है, उस क्रॉप में जो हम वापस खाते हैं वापस इंसान वैसा जन्मता है और उसकी आदतें भी वैसी होती हैं। लोग कहते हैं ना, वो आपने बाप जड़ दिखे, वो आपने दासा जड़ दिखे, वो आपने परदासा जड़ दिखे, उसकी संस्कार भी वैसे होते हैं। तो बस ये बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं आपसे आशीर्वाद, लेकिन मेरा आपसे इतना ही कहना है, आज मैं धन्य हो गया इस व्यास बगीचे, हम तो सब यहाँ से गए, देव देखिए जी की ये छतरियाँ हैं उसके बारे में मैंने सुना कि हमारे पूर्वज सबसे पहले अगर सिंध और उधर से आए तो सबसे पहले जैसलमेर आए, जैसलमेर तो एक बैंक है, बैंक है इस समाज के लोगों, मेरिटोरियस लोगों की बैंक है। सब जगह कुछ जोधपुर भेज दिए, कुछ किशनगढ़ भेज दिए, कुछ बीकानेर भेज दिए, कुछ बलोदी भेज दिए, लेकिन बैंक आज यहाँ कायम है। आज मैं मेरी बैंक के अंदर आया हूँ, सैल्यूट करने के लिए आया हूँ और मुझे बहुत सचमुच मेरे जो मेरे पूर्वज हैं वो मुझे आज आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे और आने वाले समय में कभी किसी का मैं भी पूर्वज बनूंगा, मैं भी बनूंगा पूर्वज। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ फिर कोई गोपाल व्यास आए और मदन मोहन जी साहब जैसे आदमी से अपने आशीर्वाद ले और आप सब लोगों से आशीर्वाद ले। ये ओमी पुरोहित, ये ओमी पुरोहित ये अभी इस उम्र के अंदर सेशन जज की रैंक पे है, आने वाले समय में राजस्थान हाईकोर्ट का जज बनेगा और आज ये चाहता तो सेशन जज की पोस्ट में जा सकता, लेकिन मानव सेवा के लिए ये कहता नहीं मुझे याद रखो। अभी जो फांसी की सजा देने की जिसको पावर है वो कहता है नहीं मैं मानव सेवा के लिए जगह जगह जाऊंगा, अभी जाके जगह पे रह सकता था लेकिन मेरे साथ। ये संस्कार है हर व्यक्ति जो काम करता है, और जुडिशरी में तो वही आना चाहिए, हम तो महादेव हैं, एग्जीक्यूटिव जो आप करने वाले आप लोग हैं काम सब, और कानून बनाने वाले ये जो नेता लोग ये हैं, और हम लोग तो पकड़ होने चाहिए, महादेव होते हैं जो बैठे रहते हैं लगाए हुए, बहुत लगाए हुए लोग हैं, हमें किसी प्रकार की एसी का आदत नहीं रखनी चाहिए, हमें किसी प्रकार की खाने या होटल में जाने की आदत नहीं रखनी चाहिए, जो मिला वही खा लो, बस यही होना चाहिए। आप सब लोगों ने मुझे सुना और मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ कई बार, क्यों अधिवक्त 24 साल रहा, जस्ट मैं 13 साल ही रहा तो आदत बड़ी हुई 24 साल भाई, तो मैं उसको छोड़ नहीं पाया। मैं सबको अधिकारियों जिस गति से आज एडीएम साहब ने, विनीत जी ने, ये विपिन जी ने और इन सब लोगों ने जो लोग आए
उनकी बात को सुना। ये मैं इनके सामने अभी सबके सामने कहता हूँ, ये एडीएम साहब, एक एक फाइल मैंने उठाई जो वहां से लेके आए, उस सब के बारे में इस आदमी को जानकारी थी, हर बात की जानकारी थी। ये वो है साहब, ये वो है साहब, ये कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट यू है साहब, ये है कि नहीं। आपने, मैं कोई फ्लटरिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपने कही हुई मैं बात देखता हूँ। तो ये व्यक्ति भी यहाँ आपके यहाँ काम करने के लिए बहुत उत्सुक है। आप छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्रणाम, और बहनों जो है और ये अर्चना तेरे को भी आशीर्वाद है। खूब काम करना, खूब ईमानदारी से काम करना, ऐसा लगे कि एक ऐसी अधिकारी आई जो अभी तो बस शैशव काल है इसका, इस पद का, लेकिन इन लोगों से सीख लेकर के आगे बढ़ना, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। दुबे साहब आपको नमस्कार, मदन मोहन जी आपने अवसर दिया, इनको आशीर्वाद, आप सब लोगों को आशीर्वाद। आप कह रहे हैं कि आप ज्यादा बोले, मुझे लग रहा है अभी आप और बोलिए। अभी मुझे भूख लगी इसलिए मैं अपनी।